से जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत की मामले की न्यायिक जांच है। 8 दिन बाद बैरक खुलवा कर न्यायिक टीम ने जांच की है। बर्तन, खाने व पानी के सैंपल लिए गए हैं। निलंबित जेलर व दो डिप्टी जेलर के बयान भी दर्ज हुए। डॉक्टरों द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी भी टीम के पास है। 4 घंटे तक जेल में टीम के सदस्यों ने साक्ष्य जुटाए हैं। कहा जा रहा है कि बैरक में मिले अन्य खाने की सामग्री के भी नमूने लिए गए हैं। देखिए, बांदा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों द्वारा दिए गए बयानों की कॉपी भी टीम के पास है। 4 घंटे तक जेल में टीम के सदस्यों ने वहां पर साक्ष्य जुटाए हैं। लगातार इस पूरे मामले की लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिला है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नंदन जी, मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार जांच चल रही है। जो भी यहाँ के जांच अधिकारी एडीएम साहब राजेश कुमार है, वो उनकी लगातार न्यायिक जांच कर रहे हैं और उन्होंने अभी एक नोटिस भी जारी किया है कि 15 दिन के अंदर किसी को मुख्तार अंसारी की मौत के मामले को लेकर के कोई भी अगर बयान दर्ज कराने या कोई भी साक्ष्य देना है वो दे सकते हैं। हालांकि अभी लगातार पुलिस लगातार जेल प्रशासन से लगातार पूछताछ जारी है और जो भी वहां पर जो साक्ष्य हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी की बैग थी ऐसा सूत्र बताते हैं, उस बैग को सुरक्षित रखा गया है और जो खाना उन्हें देते थे उन वार्डनों को बुलाया गया है, जो खाना उनको चेक करके देते थे उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल अभी सूत्रों की बात माने तो अभी इस जांच को गोपनीय तरीके से रखा गया है। अभी जो भी साक्ष्य वो जुटाए जा रहे हैं और अभी इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।